बता दें कि वो 6 जनवरी 2023 को मुंबई में एक कोर्ट मैरिज में समाजवादी पार्टी के राजनेता के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। कोर्ट मैरिज के बाद कपल ने दिल्ली में अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के लिए हल्दी, संगीत और कव्वाली की रात सहित प्री वेडिंग उत्सव मनाया। स्वरा भास्कर और फहद अहमद ने शादी का हैशटैग #स्वादानुसार बनाया। यह स्वरा और फहद के नामों का मेल है, जिसे उनके चाहने वाले काफी पसंद कर रहे हैं। वो अपनी शादी की तस्वीरों पर इस हैशटैग को इस्तेमाल कर रही है। स्वरा और फहद अहमद के पार्टी के रिसेप्शन में जया बच्चन ने भी शिरकत की। उन्होंने कपल को आशीर्वाद दिया। जया सलवार सूट में नजर आए, उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था। स्वरा और फहद के रिसेप्शन में शशि थरूर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्वरा भास्कर की शादी के रिसेप्शन में राहुल गांधी ने शिरकत की। उन्होंने रांझना स्टार और उनके पति फहद अहमद को नई पारी की शुरुआत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। स्वरा भास्कर और फहद अहमद ने रोमांटिक अंदाज में फोटोशूट भी करवाया। लव बर्ड्स एक दूसरे के प्यार में डूबे दिखे। तस्वीरों पर यूजर्स कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। फहद अहमद सफेद शेरवानी में काफी स्मार्ट लगे। स्वरा और फहद कैमरा को देखते हुए मुस्कुराते हुए पोज देते दिखे। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पेश है मिस्टर एंड मिसेज। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सपा नेता फहद अहमद ने पारंपरिक रूप से शादी करने के बाद दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी दी। इस दौरान एक्ट्रेस ने वेडिंग रिसेप्शन के लिए रेड सीक्वेंस वाला लहंगा पहना, जिसमें वो बला की खूबसूरत लगी। बता दें कि स्वरा भास्कर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसी साल 6 जनवरी को कोर्ट मैरिज रजिस्टर की थी। उन्होंने 16 फरवरी को अपनी शादी की घोषणा करते हुए शादी की कई तस्वीरें पोस्ट करके अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। उन्होंने एक सादगीपूर्ण शादी का चुनाव करते हुए एक भव्य शादी से किनारा कर लिया। 17 फरवरी को उन्होंने साझा किया कि इस बड़े दिन के लिए उन्होंने अपनी मां की साड़ी और उनके गहने पहने थे।